देखिए, अगर आपके शरीर की गंदगी साफ नहीं हो रही है तो आप लाख अच्छे से अच्छे चीजों को खा लीजिए, उसका फायदा आपको मिल ही नहीं सकता। और जैसे ही आपके शरीर की गंदगी साफ होती है, आपका पाचन तंत्र बहुत तेजी से काम करने लगता है, शरीर के अंदर पहले से ज्यादा ताकत महसूस होने के साथ साथ चेहरा साफ होने लगता है, वजन बढ़ाना और घटाना आसान हो जाता है, पिंपल, दाग धब्बे, एक्ने जितने भी कुछ हैं वो सब कुछ ठीक होने लगते हैं और कई सारी गंभीर बीमारियों का होने का खतरा जड़ से खत्म हो जाता है। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे शरीर के अंदर गंदगी जमा कैसे होती है। तो देखिए, हम लोग जो भी खाते हैं वो आहार नली से होकर पेट में पहुंचता है, जहां खाना टूटने के बाद छोटी आंत में जाती है, जो कि बाद में मल के रूप में हमारे बॉडी से बाहर चली जाती है। लेकिन इस प्रक्रिया में सबसे ज्यादा गंदगी हमारे आंत में ही जमा होती है। अगर हम लोग अपने आंत को जूम कर देखें तो वो कुछ इस तरह का दिखाई देता है, जिसमें उंगली की तरह दिखने वाली छोटी छोटी उभार होती है, जो कि एक फिल्टर की तरह काम करती है, क्योंकि इन उभार के अंदर नसें होती है जो कि हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों से जुड़ी होती है और इसी नस के जरिए खाने में मौजूद पोषक तत्वों को खींचकर खून में और हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाया जाता है। लेकिन जब हम लोग जाने अनजाने में गलत तरीके के खाने का इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारे आंतों में चिपकने लगती है और धीरे धीरे दीवार पर एक मोटी परत बनाकर जमा हो जाती है, जिससे कि जब हमारी आंतें खाने में मौजूद पोषक तत्वों को खींचती है तो उसके साथ साथ गंदगी भी हमारे खून में मिल जाती है और फिर शरीर के अलग अलग हिस्सों में जाकर ये गंदगी जमा हो जाती है। जब ये गंदगी खून के जरिए हमारे लीवर तक पहुंचती है तो फैटी लीवर और जॉन्डिस जैसी बीमारियां होती है। जब ये किडनी में जमा होती है तो किडनी स्टोन और फेफड़े में जमा होने से अस्थमा, और जब खून के जरिए दिल तक पहुंचती है तो कोलेस्ट्रॉल और हमारी नसों में ब्लॉकेज पैदा होती है। और जब ये गंदगी हमारी स्किन में पहुंचती है तो दाग धब्बे, खुजली, एक्ने, पिंपल, जितने भी इस तरह की समस्याएं हैं सब होने लगती है। और इतना ही नहीं, जब ये गंदा खून हमारे पूरे शरीर में फैलता है तो हमारे शरीर का जो हार्मोन का संतुलन है वो भी बिगड़ने लगता है, और जिससे कि हमें और भी जानलेवा बीमारियां होने की खतरा बढ़ जाती है, यहाँ तक कि कैंसर भी। बस आप इतना समझ लीजिए कि शरीर में हर छोटी से छोटी बीमारी और बड़ी से बड़ी बीमारी शरीर के अंदर गंदगी जमा होने की वजह से ही होती है। और इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे तरीके के बारे में बताऊंगा जिसे अगर आप हफ्ते में केवल एक दिन भी कर लेते हो तो ये आपके पूरे बॉडी को डिटॉक्स कर देगी। तो वीडियो को पूरा आखिर तक देखिएगा क्योंकि ये आपको स्वस्थ रखने में बहुत मदद करने वाली है। नंबर 1, देखिए इसमें आपको करना क्या है कि आप जैसे ही सुबह उठते हो तो आपको सबसे पहले फ्रेश हो जाना है और इसके बाद आपको एक गिलास हल्का गुनगुना गर्म पानी लेना है और उसमें आपको आधा नींबू, कागजी नींबू जो होता है, उसे आपको निचोड़ कर डाल देना है और फिर आपको उस नींबू पानी को घूट घूट करके पी जाना है। और इसके बाद आपको क्या करना है कि 15 से 20 मिनट तक सुबह के धूप में बैठ कर रहना है। ऐसा करने से क्या होता है कि धूप में विटामिन डी होती है जो कि हमारे शरीर के फंक्शन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है और साथ ही साथ विटामिन डी के मौजूदगी में जितने भी जीवाणु होते हैं, कीटाणु होते हैं, वो सब मर जाते हैं। इसीलिए आपको नींबू पानी पीने के बाद आपको धूप में 15 से 20 मिनट तक जरूर बैठना है। नंबर 2, ऑयल पुलिंग। देखिए इसमें आपको क्या करना है कि 1 चम्मच कोकोनट ऑयल या फिर मस्टर्ड ऑयल लेना है और उस 1 चम्मच ऑयल को अपने मुंह में डालने के बाद 15 से 20 मिनट तक अपने मुंह के चारों ओर उसे घुमाते रहना है। देखिए ऐसा करने से क्या होता है कि ऑयल जो होती है वो हमारे शरीर के जितने भी गंदगी होती है उसे अपनी ओर खींचती है और हमारा जो जीभ होता है वो हमारे किडनी, हार्ट, लंग, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्पाइन और सारे ऑर्गन के साथ कनेक्टेड होती है और जिससे कि इन सारे ऑर्गन्स की जितने भी गंदगी होती है वो ऑयल में आकर चिपक जाती है। और फिर आपको क्या करना है कि उस ऑयल को आपको बाहर फेंक देना है और आपको कुल्ला कर लेना है। तीसरा चीज जो आपको करना है वो ये है कि आपको अपने खाने के समय में थोड़ा सा बदलाव करना है और वो ये है कि आपको रात का खाना थोड़ा सा जल्दी खाना है और सुबह का खाना थोड़ा सा देर से। और ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोगों का जो बॉडी है वो एक एडेप्टिव पीस है, यानी कि आप अपनी बॉडी को किसी भी हालात में रख दीजिए वो कुछ दिनों के अंदर ही अपने आप को उस हालात में ढाल लेगा। और हम लोगों का बॉडी अपने आप को अंदर से खुद से ही साफ करता है, लेकिन हम लोग कुछ ऐसे गलतियों को कर देते हैं जिससे कि हमारे बॉडी को अपने आप को साफ करने का समय ही नहीं मिल पाता है। देखिए हमारे बॉडी में जितने भी रिकवर प्रोसेस होते हैं या फिर जितने भी साफ सफाई के प्रोसेस होते हैं वो उस वक्त होते हैं जब हम लोग गहरी नींद में सो रहे होते हैं, लेकिन जब आप रात को खाने के तुरंत बाद ही सो जाते हो तो आपके बॉडी का ऑर्गन्स उसे रात को पचाने में ही बिजी हो जाता है और जिससे कि उसे अपने बॉडी को डिटॉक्स करने का समय ही नहीं मिल पाता है। और इसीलिए आपको क्या करना है कि रात के वक्त 6 से 7 बजे के बीच ही आपको खाना खा लेना है। ऐसा करने से क्या होगा कि आपका जो खाना है वो सोने से पहले ही पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो जाएगी और जब आप रात को सोओगे उस वक्त आपके बॉडी का ऑर्गन्स अपने आप को अच्छे तरीके से डिटॉक्स कर पाएगा। इसके अलावा आप जब भी खाना खाएं तो उसके 10 मिनट के बाद आपको एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा लेना है, नाखून के आकार के,
और एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा लेना है और इन दोनों चीजों को आपको चबा चबा कर खा जाना है। देखिए ये दोनों चीजें क्या करती है कि सबसे पहली चीज कि आपके शरीर में जितने भी गंदगी है उसे खाने के साथ ही खींचकर बाहर निकाल देती है, और दूसरी चीज कि आपके खाने को सही तरीके से पचाने में मदद करती है और जिससे कि आपका खाना पचता है ना कि सड़ता है। नंबर 4, क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। सबसे पहली चीज कि जब तक आप अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर रहे हैं तो कुछ दिनों के लिए तेल से बनी चीजें, पैकेट में मिलने वाली चीजें, बिस्किट्स, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक और चीनी से बनी सभी तरह के चीजें पूरी तरीके से खाना बंद कर दें, क्योंकि यही चीजें आपके आंतों में गंदगी के रूप में जमा होती है। ये बात हो गई कि आपको क्या नहीं खाना है, अब क्या खाना है वो ध्यान से सुनिए। देखिए आप अपने घर के अनाज में जो भी खा रहे हो उसमें आपको कोई भी किसी भी तरह का बदलाव करने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है और वो है सब्जी। देखिए आप जब भी खाना खाएं तो उसमें सब्जी का मात्रा थोड़ा सा अधिक रखें, यानी कि पहले अगर आप आधा कटोरी सब्जी में खाना खाते थे तो अब से आप एक कटोरी सब्जी के साथ खाना खाएं। ऐसा करने से क्या होता है कि सब्जियों में फाइबर की मात्रा अधिक होती है और फाइबर ही वो चीज है जो कि हमारे आंतों की गंदगी को खींच कर हमारे मल के साथ बाहर करती है। नंबर 5, पूरे दिन में 25 से 30 मिनट ऐसा जरूर निकालें जिसमें आप किसी भी तरह का फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं। आप चाहे कोई गेम खेल रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, कुछ भी हो, यानी कि किसी भी तरह का फिजिकल एक्टिविटी होना चाहिए। और ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी आप किसी भी तरह का फिजिकल एक्टिविटी करते हो तो आपके बॉडी से पसीना बाहर आती है और पसीने के साथ साथ आपके बॉडी की गंदगी भी बाहर आती है। तो कम से कम पूरे दिन में 25 से 30 मिनट अपने बॉडी के लिए जरूर निकालें। तो इन 5 तरीकों के अलावा मैं आपको और एक बोनस टिप्स देता हूँ और वो है फास्टिंग। देखिए आप किसी भी धर्म को देख लीजिए उसमें आपको फास्टिंग का रूल मिलेगा ही। आप हिंदू हैं तो त्योहारों में फास्टिंग रखा जाता है, मुस्लिम हैं तो रोजा रखा जाता है। आप में से अधिकांश लोगों को ऐसा लगता है कि फास्टिंग एक धार्मिक चीज है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पुराने समय के जो लोग होते थे वो फास्टिंग को इसलिए रखते थे ताकि वो अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर सके। देखिए जब आप फास्टिंग में रहते हो तो आप कुछ भी नहीं खाते हो और इससे होता क्या है कि आपके बॉडी के ऑर्गन्स को अपने आप को क्लीन करने का, डिटॉक्स करने का बहुत ज्यादा समय मिल जाती है और जिससे कि वो अपने आप को अच्छे तरीके से साफ कर पाता है। तो आपको जब भी मौका मिले फास्टिंग जरूर रखें। अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, सभी दोस्तों में वीडियो को शेयर करिएगा और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना मत भूलिए।